यूं तो आकाश के आंगन में कई पंछी उड़ते हैं, मगर ईगल जब अपने पंख फैलाता है तो पूरा आकाश इसके स्वागत में पलके बिछा देता है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आसमान के बादशाह बाज यानी ईगल के बारे में, उसकी जिंदगी के बारे में, उसके मुश्किलों, उसके संघर्ष, उसके हौसलों के बारे में, उसकी जाबाजी, उसके खौफ और उसकी बादशाहत के बारे में। हम बात करने वाले हैं बाज से जुड़ी उन तमाम हैरतअंगेज और दिलचस्प चीजों के बारे में जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो हो जाइए तैयार मेरे साथ इस रोमांचक हवाई सफर के लिए। ईगल यानी बाज, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जंगल राज बहुत बेरहम होता है। यहाँ जीने के लिए लगातार पूरी जिंदगी लड़ते रहना पड़ता है। मगर इससे भी बुरा और क्या हो सकता है कि पैदा होने के 2 हफ्तों के भीतर ही जिंदगी की जंग लड़नी पड़ जाए, वो भी अपने ही भाई बहनों से, और जहाँ माता पिता बैठकर जिंदगी और मौत के इस खेल का तमाशा देखते रहे। जी हाँ, एक मादा बाज एक बार में 2 से 3 अंडे देती है, और जब इन अंडों से चूजे निकल आते हैं तो करीब 2 हफ्तों की उम्र के बाद वे अपनी भूख मिटाने के लिए आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। और ये लड़ाई मात्र हार या जीत की लड़ाई नहीं होती, बल्कि जिंदगी की लड़ाई होती है। अपनी जान बचाने के लिए इन्हें अपने ही भाई बहनों पर हमला करना होता है, और अंतिम में कोई एक विजेता बनकर उभरता है। इनके पेरेंट्स दूर बैठ के ये सब तमाशा देखते रहते हैं, लेकिन इस झगड़े को सुलझाने की कोशिश कभी नहीं करते। शायद ये भी ये मानते हैं कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगा, जीने का हक सिर्फ उसी का होता है। अपने भाइयों के खून से रंगे अपनी जिंदगी के दामन को समेटकर अपने अगले सफर के लिए ये नन्हा बाज तैयार है। अब बारी आती है उड़ना सीखने की। अगर पहला ही पड़ाव इतना खतरनाक था तो जाहिर सी बात है कि उड़ना सीखना भी कोई बच्चों का खेल तो होगा नहीं। ये ट्रेनिंग भी भयानक होने वाली है। जिस ऊंचाई पर बाकी सारे पंछी अपनी पैंट गीली कर देते हैं, इस नन्हे से मासूम को अपने जीवन की पहली ही उड़ान उस ऊंचाई से शुरू करनी है। बाज अपने इस नन्हे से बच्चे को पंजे में भरकर उस दिल दहला देने वाली हाइट पर लाकर छोड़ देते हैं। हवा के जोरदार थपेड़ों के बीच फिर एक बार जीने के लिए उन्हें उड़ना ही होगा, बचना ही होगा। जिंदगी तभी अपनी बाहें खोलकर इस नन्हे जान का वेलकम करेगी। इस दिल दहला देने वाली ट्रेनिंग के बाद जो उड़ान ये मासूम सीखता है, बाद में तो खुद हवा उसे सलाम ठोकती है। इस तरह की महाभयानक ट्रेनिंग के बाद समय के साथ ये पंछी जवान होने लगता है, और एक समय ऐसा आता है जब पूरे आकाश में इसके नाम का खौफ होता है। ये आज आसमान का बादशाह है। जरा इसकी बॉडी देखिए, इसके पंखों का फैलाव देखिए, इसकी उड़ान देखिए, उड़ते हुए इसका एटीट्यूड देखिए। इससे भयानक और खूंखार शिकारी पक्षी दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। बाज गरुड़ की प्रजाति का ही एक पंछी है, मगर ये गरुड़ से थोड़ा छोटा होता है। इसके मजबूत पंजे इतने ताकतवर है कि भारी से भारी जानवर को भी उठाकर ले जा सकते हैं। बाज अपने वजन से करीब 1.5 गुना ज्यादा वजन का जानवर भी आसानी से उठाकर उड़ सकता है। ये अपने मजबूत पंजों की पकड़ से बंदर जैसे बड़े जानवर की खोपड़ी तक को चटका सकता है, और इन पंजों में ये जो नुकीले नाखून है, ये इसके सबसे मेन हथियार है। ये इतने धारदार और नुकीले होते हैं कि एक वार में ही किसी भी जानवर के टुकड़े कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी ये जो पीली चोंच है, ये कोई कम खतरनाक नहीं है। अपने दुश्मन का शिकार करने में और उसे नोच डालने में इस तेज तर्रार चोंच का बड़ा हाथ होता है। ये चोंच आगे से कुछ इस तरह से मुड़ी हुई होती है कि शिकार करना और उसे नोचने का काम आसान बना देती है। करीब 2 फीट तक लंबा ये बाज जब अपने पंख फैलाता है तो फिर वो करीब 7 फीट तक लंबा हो जाता है। इसका वजन 3 से 4 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होता। इनके पंख की बनावट और इनका हल्का वजन ही वो वजह है जो इनके उड़ने की स्पीड को एकदम तूफानी बना देते हैं। गोल्डन ईगल नाम के इस बाज की स्पीड तो करीब 320 किलोमीटर पर आवर तक पहुँच जाती है। बाज आकाश में करीब 12,000 फीट की ऊंचाई तक की उड़ान भी आसानी से भर सकता है। और एक बात जो बाज को खास बनाती है, वो है इनकी नजरें। इनकी नजरें इतनी तेज होती है कि बादलों की हाइट से भी जमीन पर चल रहे चूहे को देख सकती है। इसके अलावा इनकी आंखें करीब 340 डिग्री तक एक ही जगह बैठे बैठे बिना गर्दन घुमाए देख सकती है। इतना ही नहीं, बाज एक साथ 2 अलग-अलग चीजों पर फोकस कर सकता है। जैसे हम जब पास की चीजें देखते हैं तो दूर की चीजें अपने आप धुंधली हो जाती है, और जब दूर की चीजें देखते हैं तो पास की धुंधली हो जाती है। मगर बाज के साथ ऐसा नहीं होता, वे एक ही टाइम पर दूर और पास की चीजें एक साथ देख लेते हैं। अगर ये बात आप पहले से जानते थे तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।
रहन सहन के बारे में बात की जाए तो ये अपना घोंसला गगनचुंबी पहाड़ों, चट्टानों और खूब ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बनाते हैं। इनका घोंसला दुनिया के तमाम पक्षियों में सबसे बड़ा होता है। ये इतना बड़ा होता है कि एक 6 फीट का आदमी पूरा का पूरा इसमें समा सकता है। अपने इसी आलिशान महल में राजा साहब अपनी पार्टनर के साथ रहते हैं और यही मॉम ईगल अपने अंडे देती है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये एक बार में करीब 2 से 3 अंडे देती है और फिर अपने पेरेंट्स की तरह ही ये लोग भी नई पीढ़ी को उसी तरह तैयार करते हैं जैसे इन्हें तैयार किया गया था। बास की एक खास बात और भी है कि ये कभी भी अपनी जगह और अपने घोंसले को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते, बशर्ते उससे वहाँ खाने पीने की पर्याप्त सुविधा मिलती रहे। नॉर्मली जो बर्ड्स होते हैं वे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदल लेते हैं, जैसे ठंड के टाइम गर्म जगहों पर चले जाते हैं और गर्मी के टाइम ठंडी जगहों पर आ जाते हैं, मगर बास कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ता, भले चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना पड़े या चाहे 12 माइनस डिग्रीज में क्यों ना चला जाए। ये एकमात्र ऐसा पक्षी है जो 70 सालों से भी ज्यादा समय तक जीता है, मगर जैसा कि हम शुरुआत से ही देख रहे हैं, बास की पूरी जिंदगी संघर्षों से भरी है, तो जाहिर है इतनी लंबी जिंदगी पाने के लिए भी बास को कीमत चुकानी पड़ती है। बस यूँ समझ लीजिए कि आसमान के इस बादशाह के सिर पर कांटों का ताज सजा है। जब बास 35 से 40 के बीच की उम्र से गुजर रहा होता है, जिंदगी फिर एक बार उसका इम्तिहान लेती है। इस उम्र में आते आते इस पंछी की आगे से मुड़ी हुई चोच इतनी ज्यादा मुड़ जाती है कि ये कुछ भी तोड़ने के काम नहीं आती। बेचारा अपनी चोच खोलकर मुंह में कुछ डाल भी नहीं पाता। यहाँ इसके भूख से तड़पने का दौर शुरू होता है। इसके पंखों और पंजों का भी यही हाल हो जाता है। पंखों का वजन इस कदर बढ़ जाता है कि इससे संभाले नहीं संभलता, उड़ना तो दूर की बात है। और पंजों के नाखून इतने बढ़ जाते हैं कि इसकी पकड़ कमजोर होने लगती है, यानी जो हथियार अब तक बास की ताकत थे यही हथियार आज उसके दुश्मन बन बैठे हैं। ऐसी स्थिति में बास के पास 2 ही रास्ते बचते हैं कि चुपचाप पड़े पड़े भूख से तड़प तड़प कर बस पल पल मौत का इंतजार किया जाए या जिंदगी के उस पार पहुंचने के लिए आग के दरिया को पार किया जाए। ये एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस होता है जिसके बारे में सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मगर हमारा हीरो जिंदगी का ही चुनाव करता है। उसके अंदर जीने का जज्बा इस तरह मजबूत होता है कि वह इस महाभयंकर प्रक्रिया से गुजरने के लिए भी तैयार हो जाता है। वह किसी पत्थर पर अपनी चोच लगातार तब तक पटकता रहता है जब तक कि उसका आगे का भाग टूट ना जाए। ऐसा करते वक्त उसे बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, उसकी पूरी चोच लहू लुहान हो जाती है, मगर वह ये सब सहन कर जाता है। इसके बाद नंबर आता है पंजों का। उसे इसी तरह अपने पंजों के नाखूनों को भी तोड़ना होता है और फिर अपने पंखों के साथ भी उसे यही बर्ताव करना पड़ता है। वह एक एक पंख नोच नोच कर अपने शरीर से निकालता है। बस इसी असहनीय दर्द को भुगत रहा है ये बास इस समय। अपने आप को दिए इस दर्द को बर्दाश्त करने और दोबारा ठीक होने में उसे करीब 5 महीनों का समय लग जाता है। तब तक उसे अपने घोंसले में अपनी रक्षा करते हुए आराम करना है। और ये देखिए, आज फिर आसमान की बुलंदी छूने के लिए निकल पड़ा है हमारा जाबाज बास। वे सारी तकलीफें, वो बे इंतहा दर्द जो उसने सहे है, जो आग का दरिया वो पार करके आया है, आज उसे उसका फल मिला है। एक नई जिंदगी की सौगात मिली है, एक नए आसमान का तोहफा मिला है जहां वो अपनी काबिलियत के परचम लहरा सके। आसमान को सचमुच अपने राजा पर नाज है। बास की तरह का बहादुर पक्षी की टक्कर का पक्षी शायद ही इस दुनिया में कोई होगा। दोस्तों, संघर्षों से भरी एक बास की जिंदगी को करीब से देखने के बाद एक बात तो समझ आती है कि जिंदगी आपके लिए कभी भी आसान नहीं होती। आप ही को इतना काबिल होना पड़ता है कि जिंदगी के वार का सामना कर सको। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके अलावा बास के बारे में आप कोई खास और दिलचस्प बात जानते हैं तो प्लीज मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक हमारे